हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेगधर इंस्ट्रक्टर बेट सिंदरी। आइए आज हम लोग ईगल सॉफ्टवेयर में रेगुलेटर आईसी का फुटप्रिंट और सिंबल डिजाइन करना सीखते हैं। तो यहां से हम लोग ईगल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये ईगल 7.5.0 है। तो ओपन होने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा। अब हम लोग सबसे पहले इसका लाइब्रेरी में जाएंगे और सिंबल और फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। तो फिर हम लोग का इस तरह का विंडो खुलेगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंबल और फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे IC 7805। तो ये रेगुलेटर आईसी का नंबर है। अब इसको यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन करेगा तो इसको हम लोग यस कर देंगे। तो यस करने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड को चेंज करेंगे। तो ग्रिड पे क्लिक करके यहाँ इंच है तो इसको MM में कर देंगे और यहाँ डिस्प्ले को ऑन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए हम लोग का ये जो है यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। तो अब हम लोग रेगुलेटर का यहाँ पे पहले सिंबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लाइन में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। और हम लोग सेंटर पॉइंट से स्क्वायर टाइप में बना लेंगे और फिर यहाँ पे तीन गो लेग देंगे। रेगुलेटर में एक इनपुट ग्राउंड और आउटपुट का पिन होता है तो तीन को यहाँ पे हम लोग लेग देंगे और इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस पर पिन कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पिन पे क्लिक करके इस पर हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसको राइट क्लिक करते जाएंगे तो ये रोटेट होगा। तो इस तरह से अब इसको तीन पिन है। अब हम लोग इस पिन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे और ये जो हम लोग का कुछ अनवांटेड यहाँ पे सिंबल आ रहा है तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे वन लिख देंगे और यहाँ पे लेंथ में मिडिल है तो इसको शॉर्ट कर देंगे। और ये जो कुछ अनवांटेड यहाँ पे सिंबल है इसको हम लोग रिमूव करने के लिए यहाँ विजिबल में ऑफ कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको ओके करेंगे तो इस तरह करके तीनों पिन को हम लोग सेट करेंगे। तीनों के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग का तो ये सिंबल जो है सर्किट में यूज होगा। तो अब हम लोग इसमें पिन का नंबर देंगे। यहाँ पे पिन नंबर 1 होगा, ये इनपुट होगा, ये पिन नंबर 2 ये ग्राउंड, और पिन नंबर 3 ये आउटपुट होगा। तो यहाँ टेक्स्ट में जाके यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे ये पिन नंबर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3 होगा। फिर यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए यहाँ शॉप पे जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको 3 कर देंगे। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पिन नंबर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे इसको 2 कर देंगे। फिर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पिन नंबर 1 ये 2 ये 3 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में जा करके ग्रेटर देन यहाँ पे लिखेंगे नेम इसको यहाँ पे ओके करेंगे।
फिर स्केप प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, इसको ओके करके इसको हम लोग इधर रख देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसका सिंबल डिजाइन करेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे, फाइल में जा कर के सेव एज करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे IC7805, इसमें डॉट देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर हम लोग अब फुटप्रिंट डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पैकेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IC7805 और ओके करेंगे, फिर यहाँ पे यस करेंगे। फिर यस करने के बाद यहाँ पे इस तरह का विंडो खुलेगा, तो पहले ग्रिड में जाएंगे और यहाँ पे भी फिर ग्रिड को चेंज कर देंगे, इसको MM में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ओके करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे 3 गो पेड लेना है, तो यहाँ पे पेड में क्लिक करके लोग 3 गो पेड लेंगे, एक यहाँ सेंटर पॉइंट पे एक पेड रखेंगे और हम लोग इस तरह करके 3 पेड लेंगे, इसको स्केप प्रेस कर देंगे। अब फिर यहाँ 100 में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और पहला पेड को हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये यहाँ पे पोजीशन जो है 0 0 होना चाहिए और इसका डायमीटर जो है हम लोग 2.2 कर देंगे और ड्रिल साइज जो है 1.1 कर देंगे और इसको राउंड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब इस पिन से इस पिन का डिस्टेंस जो होगा वो 2.54 mm होगा। तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और नेम में 2 कर देंगे और यहाँ पे जो होगा 2.54 mm और यहाँ पे 0 कर देंगे और डायमीटर 2.2 mm, ड्रिल साइज 1.1 और इसको हम लोग राउंड कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फिर इस पेड में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे नेम में 3 कर देंगे, यहाँ पे 5.08 और यहाँ पे 0 कर देंगे और 2.2, ड्रिल साइज 1.1 और यहाँ पे राउंड, अप्लाई, ओके। ये जो मिडिल वाला पॉइंट है ये यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा और ये पेड यहाँ पे सोल्डरिंग होगा। अब इसके चारों तरफ हम लोग एक बाउंड्री लगा देंगे, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके इस तरह से बाउंड्री लगा देंगे और यहाँ पे और एक लाइन लेंगे जो हम लोग को ये पिन नंबर 1 है वो इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे तो ये इस साइड जो है ये पिन नंबर 1 होगा 2 3। अब इसमें भी हम लोग नेम दे देंगे, तो यहाँ टेक्स्ट में क्लिक करके ग्रेटर देन नेम को ओके करेंगे, फिर इसके प्रेस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, फिर ओके करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे। तो देखिए अब ये हम लोग का यहाँ पे फुटप्रिंट डिजाइन हो गया। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे, तो यहाँ फाइल में जा कर के सेव एज करेंगे और इसको यहाँ से IC7805 करके इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव करने के बाद अब फिर हम लोग यहाँ पे डिवाइस में क्लिक करेंगे, डिवाइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे IC7805, इसको ओके करेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन करेगा तो इसको यस कर देंगे,
तो यस करने के बाद फिर इस तरह का विंडो खुलेगा। तो फिर हम लोग ग्रिड पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे इंच है एमएम में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिस्प्ले को ऑन करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सिंबल जो बनाए उसको और फुटप्रिंट दोनों को यहाँ पे लाएंगे और दोनों का पिन को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एड में जा कर के ये हम लोग सिंबल बनाए थे इसको लाएंगे, तो यहाँ ओके करके इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड यहाँ पे रखेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। और फिर इधर हम लोग फुटप्रिंट को लाएंगे, तो यहाँ न्यू में जाएंगे और ये फुटप्रिंट डिजाइन किए थे इसको हम लोग यहाँ से ओके करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हम लोग प्रीफिक्स देंगे, तो ये रेगुलेटर आईसी है तो यहाँ पे लिखेंगे REG, इसको ओके कर देंगे और यहाँ से ऑन करेंगे। अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, इसका पिन नंबर 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, तो यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पिन नंबर 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 2 से, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करते जाएंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा। तो इस पर कनेक्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो ये कनेक्ट हो गया, इसको यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हम लोग का डिजाइन हो गया। अब इसको अगर हम लोग सर्किट में यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे, यूज में जाएंगे और जो सर्किट डिजाइन किए उसको ओपन करेंगे, उसका अप टू डेट कर देंगे। तो देखिए ये वाला सर्किट हम लोग डिजाइन किए थे IC705, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे और अप टू डेट कॉल कर देंगे। अब फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे एड में, तो अब हम लोग का वो IC जो है लाइब्रेरी में अप टू डेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप टू डेट हो गया है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे ये सिंबल है और ये फुटप्रिंट है, तो इसको ओके करेंगे तो यह सर्किट में यूज होगा। और फिर अगर हम लोग इसका फुटप्रिंट देखना चाहते हैं तो स्विच टू बोर्ड करेंगे, तो ये जो है इस तरह से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ये दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग फुटप्रिंट और सिंबल डिजाइन करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।